नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो और वास्तु के इस चैनल में। दोस्तों, पंडित रोहित शर्मा के मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वास्तु और एस्ट्रो के वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपके सभी समस्याओं के समाधान वास्तु और एस्ट्रो के वीडियो में बताए गए हैं। फिर भी अगर आप पंडित जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो पंडित जी का नंबर वीडियो के थंबनेल यानी कि पोस्टर में व डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया है। आप पंडित जी को कॉल करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि जयंती की। आने वाली 25 मई को शनि देव का जन्मदिन आ रहा है, शनि जयंती आ रही है। इस दिन किए गए विशेष पाठ पूजा से आपको शनि की से जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, कुंडली में अगर आप पीड़ित है शनि आपका, या आप पर साढ़े सती या ढैया चल रहा है, तो आप शनि देव की इस दिन अवश्य पूजा पाठ करें। विधि विधान से आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दें, ताकि आपके पास समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका प्रयोग करके लाभ ले सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं शनि जयंती की। शनि जयंती पर वैसे तो बहुत से उपाय बताए जाते हैं। आप शनि जयंती पर जिन लोगों को साठ सती चल रही है, ढैया चल रहा है, या शनि से कुंडली पीड़ित है, वो लोग उपाय भी करते हैं। और उस दिन आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, और उसका भी विधि विधान है। आप ब्राह्मण से पूछ करके उसे भी धारण कर सकते हैं, और उसके बारे में अगर हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो हम भी आपको बता पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति नीलम धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉस्टली नग होता है, स्टोन होता है, रत्न होता है। इसलिए आज मैंने एक विशेष उपाय शनि जयंती पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और करें, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों जिन लोगों को धन से संबंधित समस्या आती है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बार बार वो कर्जे में डूब जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां आ रही है, मानसिक रोग आ रहे हैं, और जो लोग कुछ विशेष कार्य प्रारंभ तो करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद, अच्छा चलने के बाद, वो कार्य बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो हताश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर वो करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आपने करना क्या है? आपने एक ताबीज़ बनाना है। वो ताबीज़ बनाना है आपने काले धतूरे की जड़ का। विधि में आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले 24 मई को, यानी कि जिस दिन शनि जयंती 25 को है, तो 24 मई को शाम के समय आपने एक काला धागा लेकर के आना है, और एक आपने लोहे का ताबीज़ लेकर के आना है, और 108 साबुत लौंग लेकर के आने हैं। साबुत लौंगों की आपने माला बनानी है। मित्रों, धागे के अंदर एक एक लौंग को अच्छे से बांधें, साफ लौंग को, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो आपने उन लौंगों को एक के बाद एक बांध करके एक माला आपने तैयार कर लेनी है लौंग की। अब आप शाम को 4 से 5 बजे के मध्य कहीं शहर से बाहर जाएं, जहां पर कहीं धतूरे का कोई छोटा पौधा जिस पर धतूरे लगे हो वो लगा हो। अगर आपको काले धतूरे की जड़ मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी धतूरे की जड़ उस दिन आपने लेकर के आनी है। आपने जो माला बनाई है अपने साथ लेकर के जानी है। धतूरे के पौधे के पास आपने बैठ करके प्रार्थना करनी है, हे शनि देव, मैं इस काले धतूरे की जड़ लेकर के जा रहा हूँ, आप
मुझे आशीर्वाद दें कि जब मैं ये पहनूं तो मेरे सभी कार्य पूर्ण हो। तो आपने धतूरे की जड़ खोदनी है, खोद करके निकालनी है, निकाल करके आप छोटी सी जड़ जितनी आपने ताबीज़ के अंदर डालनी है केवल उतनी ही जड़ आपने लेनी है और छोटे से काले कपड़े के अंदर बांध करके आपने रख लेनी है। और जो आप माला लेकर के आए थे उस माला को आपने धतूरे के ऊपर माला को अर्पित कर देना है, यानी कि धतूरे को वो माला चढ़ा देनी है और जड़ लेकर के घर पे आ जाना है। अब आपने शनि जयंती के दिन सुबह नहा धो करके वस्त्र साफ सुथरे पहन करके आप शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जा करके आपने उस जड़ को लोहे के ताबीज़ में या काले कपड़े में भी बांध सकते हैं, उसको आपने ताबीज़ के अंदर बांध लेना है, दबा देना है, दबा के उसको बंद कर लेना है और काले धागे के अंदर ताबीज़ को डाल करके शनि देव के समक्ष बैठ करके आपने शनि स्त्रोत्र का पाठ करना है। और करने के बाद आपने उस जड़ को ताबीज़ के अंदर जो डाली हुई है आपने अपने गले में धारण कर लेना है। उस दिन विशेष ये बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी का भी जूठा नहीं खाना है, ना ही अधिक किसी से बात करनी है। सारा दिन आप शनि का स्मरण करें और उसको आशीर्वाद स्वरूप काले धतूरे की जड़ को जो व्यक्ति शनि जयंती के दिन पहनता है उसके सभी समस्याएं कष्ट दूर होते हैं। और जिनको कर्ज के मुक्ति नहीं मिलती, बार बार कर्ज चढ़ जाता है, उनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और सहज ही आपको कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिससे आपको धन कमाने का कोई नया रास्ता आपको अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को साढ़सती चल रही है या ढैया चल रहा है वो भी ये प्रयोग अवश्य करें, ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है मित्रों, और नीलम से भी अधिक इसका जो है प्रभाव होता है। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आने वाले समय में ना ही तो मदिरा का सेवन करना है, ना ही मांस का सेवन करना है, और ना ही आपको किसी से झूठ बोलना है, और ना ही किसी भिखारी के साथ अपशब्द बोलने हैं। मित्रों आपको पता होना चाहिए, हम लोग जब स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, बसों पर जाते हैं तो हमें भिखारी दिखते हैं, वो हमसे कुछ मांगते हैं तो हम देते तो नहीं हैं, उल्टा उसे कुछ बातें सुना देते हैं कि कुछ काम करो, कुछ ये करो, आपको खाने की आदत पड़ गई है। तो ऐसी बातें आप ना करें, अपने मुंह से अपशब्द ना करें, वो अपना कर्म कर रहा है उसे करने दें। आपने नहीं देना तो आप चुपचाप बैठे रहें, उसकी तरफ ध्यान भी मत दें। लेकिन आप भिखारियों से अपशब्द ना बोलें, अगर आप अपशब्द बोलेंगे तो आपका शनि खराब होगा, क्योंकि शनि जो है गरीबों के साथ, गरीबों के देवता भी हैं, न्याय के भी देवता हैं, वो देखते हैं कि इन लोगों को आपने सताया, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो ऐसा कोई भी कार्य मित्रों मत करें, और अगर आपको दान नहीं देना है तो चुपचाप बैठे रहें। तो भिखारियों को भी कुछ नहीं कहना, और हो सके तो कौड़ियों को दान देना, जिनको जिनके अपंग हों, जिनके शरीर में कोई रोग हो, उन लोगों को अगर आप अनाज के रूप में दान दे सकें तो इस दिन बहुत ही महत्व होता है, आपके कष्ट कटते हैं, आपकी बीमारी, आपका रोग कटता है मित्रों। तो ये जो है मैंने उपाय बताया है, ये उपाय हमारे गुरुजी ने जब हम विद्या ग्रहण कर रहे थे उस समय हमें बताया था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बताए गए ऐसे अचूक उपाय मैं आपको आगे आने वाले समय में और भी बताता रहूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माता हिंगलाज की। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि जयंती की। आने वाली 25 मई को शनि देव का जन्मदिन आ रहा है, शनि जयंती आ रही है। इस दिन किए गए विशेष पाठ पूजा से आपको शनि की से जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, कुंडली में अगर आप पीड़ित है शनि आपका, या आप पर साढ़े सती या ढैया चल रहा है, तो
आप शनि देव की इस दिन अवश्य पूजा पाठ करें, विधि विधान से आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो